Assalamualaikum, मैं जुलेखा अरफात, जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं ओरियो मिल्कशेक। बढ़िया सा मजेदार साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल्कशेक बनाते हैं आज। चलिए पैकेट ओरियो बिस्किट्स के लीजिए, तकरीबन 10 पीसेस निकलते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, सादे मलाई वाले, हाँ ये जो मलाई वाले आते हैं वही लेने हैं, और वो मैं इन्हें खोल खोल कर सादे वाले साइड पर रखते जा रही हूँ और मलाई वाले एक साइड कर रही हूँ। लेकिन ये टोटली ऑप्शनल स्टेप है, आपने नहीं करना है तो आप सारे पीसेस एक साथ पीसने में यानी कि ब्लेंड करने में डाल सकते हैं। ये देखिए, इस साइड पे मलाई वाले आ गए, उस साइड पे सादे वाले, और ये जो एक बचा हुआ है ये मैं डेकोरेशन के लिए डाल रही हूँ, साइड पर रखी हूँ। अब ये जो सादे वाले जो बिस्किट्स थे इसे मैं हल्का सा है ना ब्लेंड कर लेती हूँ, एकदम दरदरा ब्लेंड करना है, बारीक ब्लेंड नहीं करना है। मैं मिक्सर जार में कर रही हूँ, आप चाहें तो प्लास्टिक की थैली में डालकर बेलन से मारते जाएंगे ना, पीटते जाएंगे ना, तो आपका ये काम हो जाएगा। अब मैं इन्हें साइड पर रख देती हूँ। ब्लेंडिंग जार के अंदर तकरीबन 4 स्कूप्स भरकर वैनिला आइसक्रीम लीजिए, उसमें डाल दीजिए, और 1.5 कप ठंडा ठंडा दूध, आप चाहें तो थोड़ा शक्कर भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। और ये जो हमारी मलाई वाली जो बिस्किट्स है ओरियो, ये सारी डाल दीजिए और इसे ढककर बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। तब तक ब्लेंड करना है जब तक पूरे एक दूसरे में घुल नहीं जाते और बिस्किट्स पूरी घुल नहीं जाती, ऐसे। अब आप चाहें तो इसे ठंडा करने फ्रिज में रख सकते हैं, मैं चख लेती हूँ, मुझे परफेक्ट लग रहा है। लेकिन आपको अगर कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा और ओरियो डाल के पीस सकते हैं या शक्कर डाल के पीस लीजिए, मिठास कम लगे तो। मैंने टॉल ग्लास लिया है, आप चाहें तो सादा ग्लास भी ले सकते हैं, और चॉकलेट सिरप से उसे अंदर से डेकोरेट कर लीजिए। मेरे पास चॉकलेट सिरप नहीं है तो मैंने न्यूट्रेला को पाइपिंग बैग में डालकर मैंने उससे डेकोरेट किया है। अब जो दरदरी पीसी हुई बिस्किट हमने साइड पर रखी है वो डाल दीजिए इसके अंदर, 2-3 टेबल स्पून जितनी। अब ये जो हमारा ठंडा ठंडा ओरियो मिल्कशेक है वो डाल दीजिए ऊपर से। फिर से मैं ये जो दरदरा पीसा हुआ बिस्किट्स के जो भुकी है ये डाल देती हूँ, और अब मैं एक स्कूप आइसक्रीम का डाल देती हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप डायरेक्टली वैसे ही सर्व कर सकते हैं, बट थोड़ा सा डेकोरेटिव होगा तो और मज़ा भी आता है ना। अब बस इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ वो न्यूट्रेला, मेरे पास रखा हुआ था वो पाइपिंग बैग के अंदर, उसी से इसे डेकोरेट कर लेती हूँ। मैं 2-3 छोटे छोटे टुकड़े वॉलनट्स के यानी कि अखरोट के डाल रही हूँ, आप कोई भी नट्स के डाल सकते हैं। और ये रहा बिस्किट ओरियो का मैंने लगा दिया, और बन गया हमारा ठंडा ठंडा मज़ेदार सा ओरियो मिल्कशेक, पीने के लिए रेडी है। अच्छा, इसी तरीके से मैंने दूसरे मिल्कशेक्स भी बनाए हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो है ना मज़ेदार रेसिपी आज की। अगर आप ये वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए ये वाली वीडियो को, और उससे ज़्यादा अच्छी लगे तो ये वाली वीडियो के लिंक्स अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।